में इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ेंगे वृत्त की ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए वृत्त को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो वृत्त को हम लोग दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक कोण की दृष्टि से और एक जीवा, जीवा की लंबाई होती है तो जीवा, और जीवा की दृष्टि से मतलब एक तरह से भुजा की दृष्टि से। और ये दो टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक भुजा की दृष्टि से और एक कोण की दृष्टि से। तो यहां पर सबसे पहले परिभाषा के अनुसार अगर मैं कहूं तो यहां भुजा की दृष्टि से एक बिंदु और एक बिंदु से समान दूरी पर, एक बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु समूह होता है उसको वृत्त कहते हैं। और इसलिए हम लोग भुजा की दृष्टि से पहले कुछ पढ़ाई करेंगे, इसके बाद फिर कोण की दृष्टि से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे कि भाई एक बिंदु से समान दूरी पर जो वृत्त होता है भाई उसे वृत्त कहते हैं, और उसमें जो इसकी दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, ये आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक संबंध होता है कि जब आप इसमें एक जीवा खींचते हैं, भाई इस लाइन को जीवा कहते हैं और इस लाइन को चाप, ये घुमा हुआ लाइन को चाप, तो ये क्या है जीवा है और ये क्या है चाप। तो मैं जीवा की बात करना चाहूंगा, जीवा पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, तो जीवा के बारे में स्पेशल समझ लेते हैं। सबसे पहला तो इसमें राइट एंगल का एक रिलेशन बनता है, सबसे पहला रिलेशन बनता है कि किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करती है, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटती है, या एक तरह से कह सकते हैं समद्विभाजक लंब होता है। और जब लंब होता है तो फिर एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जहां पर आप 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 का नियम लगा सकते हैं। तो याद रखना है कि जब भी जीवा खींचा जाएगा तो उसकी केंद्र से जो दूरी होगी सबसे छोटी दूरी होती है ये, और ये लंब होता है, और यहां से एक राइट एंगल का फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग दो जीवाओं पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबरिकल जो आता है, पहला ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिससे 12 सेंटीमीटर दूर एक जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखो भाई केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर दूर, तो देखो 12 सेंटीमीटर अगर दूर जाओगे तो 5 12 13 का नियम लगेगा, मतलब ये 5 होगा, तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या से जीवा की लंबाई अगर 5, जीवा की दूरी 5 है तो फिर ये 12 हो जाएगा और 12 12 24, तो जीवा की लंबाई 24 हो जाएगी। तो 13 त्रिज्या है, 5 दूरी है, तो जीवा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो जीवा की राइट एंगल का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या ये त्रिज्या है और सॉरी ये त्रिज्या है और ये जीवा की दूरी है, जीवा से केंद्र की दूरी, और जीवा की लंबाई निकालने के लिए जो लंबाई पर पीबीएच में बी का निकलेगा उस पर डबल कर देंगे, जीवा की लंबाई हो जाएगी। तो ये बेसिक छोटा सा बात हो गया जीवा के लिए, लेकिन इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो जीवाएं, हाँ भाई यहां से नंबरिकल थोड़ा सा अच्छा अच्छा आ जाता है, दो जीवाएं। अब दो जीवाओं के बारे में मैं बात बता दूं तो पहली बात, अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर हो, दो जीवाओं की लंबाइयां बराबर हो, तो दो जीवाओं की लंबाई अगर बराबर हो तो केंद्र से उसकी दूरी बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि ये जो केंद्र से दूरी क्या होता है तो लंब होता है। तो दो जीवाएं अगर बराबर है तो केंद्र से उसकी दूरी बराबर हो जाएगी। अब बराबर जीवाओं वाला क्वेश्चन में अक्सर एंगल का क्वेश्चन आता है, कोण का क्वेश्चन, कैसे भाई ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, दो बराबर जीवा, और आपसे पूछ सकता है कि अगर ये कोण आप कुछ भी दे सकता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि इस कोण का मान अगर आपसे दे दिया जाए 55 डिग्री है, कितना है 55 डिग्री, और आपसे पूछा जाए कि इस कोण का मान क्या होगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं नॉर्मली, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं यहां पर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, दो जीवाओं का लंबाई बराबर दिया हुआ है। तो दो जीवाओं का लंबाई अगर बराबर दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, इसका मतलब ओ एम जो है वो बराबर है, वो इनके मतलब इसकी दूरी बराबर है, और जब दो जीवा दूरी बराबर है तो इसके आधार के कोण भी तो बराबर होंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये 55 था, तो 90 से 55 को घटा दो, 90 में से 55 घटा दीजिए तो भाई 50 घटा 40 मतलब 35, ये 35 बच गया, और अगर ये 35 डिग्री है तो भुजाएं बराबर, क्योंकि दूरी ये जीवा बराबर था तो केंद्र से इसकी दूरी बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो ये 35 तो ये भी 35, तो 35 35 70 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 70 घट गया तो 110, तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दो बराबर जीवाओं वाले क्वेश्चंस में याद रखना है कि दो जीवा बराबर हो तो केंद्र से उसकी दूरी बराबर, और उससे फिर कोण का क्वेश्चन या किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है,
बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके साथ। इसके बाद अब मैं बात करूंगा दो दीवाओं के और भी क्वेश्चंस आते हैं कि दो दीवाएं समानांतर हो तो उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और असमानांतर हो तो उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये देखते हैं अब थोड़ा सा कि भाई दो दीवाएं ए बी और सी डी अगर समानांतर हो, मतलब ये समानांतर हैं ऐसे ए बी और सी डी, तो इसके दो केस होते हैं। केस वन कि दोनों समानांतर केंद्र के दोनों तरफ हो, केस टू केंद्र के एक ही तरफ हो। इसके दो केस हो जाते हैं। तो ये दोनों समानांतर तो हैं, लेकिन ये हो सकता है कि केंद्र के दोनों तरफ हो या एक ही तरफ हो। तो ये देख लीजिएगा आप कि केंद्र के दोनों तरफ है, एक ही तरफ है, एक ही ये केस होता है। और दूसरा केस होता है जब ये दो दीवारें असमानांतर हो, असमानांतर हो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये एक दूसरे को काटेंगे। हाँ भाई काटेंगे ए बी और सी डी। अब ये देख लेना कि ये हो सकता है केंद्र के वृत्त के अंदर काट रहे हो पी बिंदु पर, या हो सकता है ये वृत्त के बाहर काट रहे हो, ये भी हो सकता है। तो भाई ये ध्यान देना है अब कि ये वृत्त के अंदर काट रहे हैं या बाहर काट रहे हैं, ठीक है पी बिंदु पर। और उसके बाद अब यहां पर आपको देखना है कि भाई इसका फार्मूला क्या होगा। तो मैं फार्मूला बहुत इजीली बता देता हूं, दोनों के ट्रिक्स को बता देता हूं। इन दोनों का ट्रिक पहला इसके लिए बता देते हैं, इसमें फार्मूला होता है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी का फार्मूला। तो इस फार्मूला से आप दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लो ये छह है, ये दो है, और ये अगर चार है, और पीसी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, फार्मूला बैठा लो, पी ए का मान कितना है भाई, तो छह है, पी बी का मान कितना है दो है, पीसी का मान कितना है पीसी, तो पीसी आपका मैंने यहां पर पीसी का वैल्यू नहीं बताया है, एक्स है जो निकालना है, और पीडी का वैल्यू तो पीडी का चार है। तो आप देखो छह दूनी बारह, और बारह को चार से डिवाइड कर दो तो चार से तीन, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री, मतलब ये तीन है, ठीक है इजिली निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी मान अगर आपको मिल जाए तो आप इसको बना सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है। जैसे मान लो ये चार दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, और ये छह है, और ये निकालना है पूरी तरह पर, तो अब क्या होगा पी ए, अब देखो पी ए कितना है पी ए, तो पी ए आठ हो जाएगा, पी बी, पी बी दो हो जाएगा, और पी सी, पी सी तो एक्स मानना पड़ेगा, और सिक्स प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि पी से सी तक बोला गया है, और पी डी कितना हो जाएगा, तो पी डी एक्स हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में द्विघात समीकरण बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और आठ दूनी सोलह इस साइड चला जाएगा और इक्वल टू जीरो, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होगा। तो ये सब हो जाते हैं असमानांतर में। और समानांतर के लिए तो मैंने ट्रिक बता रखा है, आप लोगों को पहले से मालूम होगा, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 24 और 10 है, तो भाई 24 का आधा 12 और 10 का आधा 5, और बीच की दूरी अगर इन दोनों के जोड़ के बराबर हो, मैंने 12 और 5 जोड़कर 17, मैंने क्या किया 24 था, 24 का आधा किए 12 हो गया, 10 था, 10 का आधा 5, और 12 और 5 जोड़कर 17 है, तो फिर इसकी त्रिज्या अगर पूछी जाए तो 13 होगा, क्योंकि 5 12 13 का नियम जो लगता है वो लग जाएगा। राइट एंगल वाले 5 इन 1 ट्रिक में मेरे ट्रिक्स को देख सकते हो। और ठीक इसी तरह से अगर मान लो ये भी 24 था और ये 10 था, तो फिर ये 12 और ये 5, और यहां घटाकर, यहां जोड़कर होता है, यहां घटाकर अगर 7 है तो इसकी भी त्रिज्या 13 होगी, क्योंकि यहां दोनों तरफ हो तो इसका आधा जीवा और इसका आधा, दोनों का आधा को जोड़कर बीच की दूरी होती है। अगर त्रिज्या 13 है, मैंने 5 12 13 का नियम लगाया है, तो जोड़कर होगा दूरी, और इसमें घटाकर होगा, ये ध्यान देना है। और बाकी राइट एंगल का फार्मूला लगता है, लेकिन अगर फार्मूला ना लगे, मैंने 5 12 13 का ट्रिक नहीं लग रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में फिर एक्स मानना पड़ता है और एक्स मान के सॉल्व करना पड़ता है। मैं वो भी हल्का सा समझा देता हूँ ताकि आप बना पाओ। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, मान लो इस क्वेश्चन में मैंने घरू दे दिया कि ये 20 है और ये 10 है, और बीच की दूरी अगर मान लो कि मैंने दे दिया, चलो भाई बीच की दूरी नहीं त्रिज्या ही दे देते, ये मान लो मैंने दे दिया 12, ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप, आधा दूरी को यहां से यहां तक की दूरी को एक्स मानोगे, बीच की दूरी कुछ दी जाएगी, जैसे इसमें जोड़कर 30 हो रहा है, तो बीच का दूरी मान लो दे दिया है 15, तो ऐसे कंडीशन में इसको एक्स मानोगे, इसको 15 माइनस एक्स दो टुकड़ा में हो जाएगा, और OD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, और इधर में OD स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई, तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि x और 10 का आधा 5, और उधर में OB स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 15 माइनस x का
होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और फिर सॉल्व करके इक्वेशन बनाकर आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशन बन जाएगा फिर ऐसे कंडीशन में। इसमें भी इक्वेशन बन जाता है, लेकिन अगर 5 12 13 5 इन 1 ट्रिक मेरा जाकर जरूर देख लेना, उससे ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करना बताया है, तो मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। और बाकी ये अगर प्रतिच्छेद हो, समानांतर दीवा हो तो फिर फार्मूला लगाकर, असमानांतर हो तो PA * PB बराबर PC * PD। अब मैं कोण की बात करता हूं, तो चलो भाई कोण की बात कर लेते हैं। ये हो गई जीवाओं की बात, अब कोण संबंधी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोण का क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलो भाई पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं और फिर कोण पर हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार से, ताकि कोण के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपका सॉल्व हो जाए। और थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को, क्योंकि इस चैप्टर का एडवांस लेवल मैं कल पढ़ाने वाला हूं, मतलब कि मॉड्यूल 15 वो ब्रेथ का एडवांस क्वेश्चन होता है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर एडवांस बात करूंगा। देखो भाई बेसिक में मैं अगर बात करूं किसी ब्रेथ के दो बिंदुओं की अगर बात की जाए, तो दो बिंदुओं की खासियत क्या होती है कि इसका केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर बना कोण, इससे दोनों बिंदुओं द्वारा, मतलब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो वृत्तखंड पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब वृत्तखंड पर जो भी कोण बनेगा ना इस कोण पर, इसका ये दुगना होगा। और इसका मतलब भाई वृत्तखंड तो हर जगह होता है, ये तो इस साइड भी होगा और इसका ये दुगना होगा। इसका मतलब कि किसी दो बिंदु द्वारा वृत्तखंड पर जितने भी कोण बनते हैं वो सभी समान होते हैं। तो आपको याद रखना है दो बातें कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो वृत्त के वृत्त पर बने कोण का दुगना होगा, और वृत्त पर जितने कोण बनेंगे वो सभी समान होंगे। मतलब अगर 30 डिग्री अगर इन दो बिंदुओं से बन रहा है तो सब 30 डिग्री ही बनेगा, और केंद्र पर उसका डबल 60 बनेगा। तो ये बेसिक बात है, और इसी से बहुत कुछ रिलेटेड होता है। अब देखो रिलेटेड कैसे होता है, तो देखो या अब या देखो ये जो हो गया ये एक लघु चाप है। अब मैं इसका तीन तरीका बताता हूं, तीन ड्राइंग बता रहा हूं। पहला जो आप देख रहे थे कि अगर लघु चाप है तो वृत्त के केंद्र पर, देखो इसके लिए आपको पहले अर्धचाप को समझना होगा, अर्धचाप समझिए फिर लघु अर्धदीर्घ इसी समझ में आ जाएगा। आधा है, आधा का मतलब एकदम आधा चाप है, मतलब कि एकदम आधा, मतलब कि ये 180 डिग्री केंद्र पर, देखो 180 बन रहा है। अर्धवृत्त द्वारा वृत्तखंड पर बना कोण तो पक्का है समकोण होगा 90, क्योंकि 180 का आधा बनेगा। इसका मतलब आधा में 90 बनता है, तो आधा से कम हो जाए, आधा से कम तो ये 90 से कम, मतलब कि भाई ये कोण जब भी बनेगा तो 90 से छोटा बनेगा, क्योंकि आधा से कम है। तो कम वाला लघु चाप द्वारा वृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होता है। और दीर्घ चाप, अब मैं इसी बात पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि अगर दीर्घ चाप हो, कैसा हो दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप द्वारा, देखो भाई ये दीर्घ चाप है तो 180 से बड़ा बन जा रहा है, तो इसके वृत्तखंड पर बना कोण क्या होगा, तो अधिक कोण होगा। याद रखना है, मतलब कि लघु चाप के अंदर में जो कोण बनता है ना, देखो दीर्घ चाप, एक बात मोटी तौर पर, ये दीर्घ चाप के अंदर बना कोण, दीर्घ चाप खंड में बना कोण न्यून कोण हो जाता है, लघु चाप द्वारा बना कोण न्यून कोण होता है, यहां अर्ध चाप द्वारा बना कोण समकोण होता है, इजी है, इसी से समझ रहे हैं। और यहां लघु चाप खंड पर बना कोण, लघु चाप खंड पर बना कोण अधिक कोण होता है, लेकिन दीर्घ चाप खंड द्वारा बनाया कोण अधिक कोण होता है। तो ध्यान देना है कि ये वर्ड्स जो है ना यही सबसे सेंसिटिव होते हैं, यही समझना ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब यहां पर ये तो आपको समझ में आ गया कि कहां 90 से छोटा बनेगा, कहां 90 से बड़ा बनेगा और कहां 90 बनेगा। लेकिन जब 90 बनता है ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, क्योंकि 90 के केसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा डीप ले जाएंगे। क्योंकि जब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो क्या होता है, इसके कुछ टॉपिक्स बताएंगे, 1 2 कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होने पर क्या नियम होते हैं, ये टॉपिक मैं बताऊं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओ। उससे पहले मैं इस एंगल वाला मामला खत्म कर देना चाहता हूं, ताकि कंफ्यूजन बढ़ जाने के बाद जब कोई चीज ज्यादा डिस्क्राइब हो जाता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हार्ड हो जाता है, तो वो हार्ड हो जाए उससे पहले कुछ इजी कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इजी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो फिर। तो यहां पर टॉपिक कौन सा हम उठाने वाले हैं कि अर्धवृत्त आधा वृत्त के द्वारा वृत्तखंड पर बना कोण समकोण होता है तो क्या होता है, इसके और नियम होते हैं, तो ये नियम क्या होते हैं, मैं इसके नियम के अंदर जाऊंगा और इस नियम के अंदर बताऊंगा। लेकिन उस नियम से पहले, हाँ भाई उस नियम से पहले क्या, तो उस नियम से पहले और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं डिस्कस करके खत्म करना चाहूंगा। क्या है तो चलो मैं बता दूं, सबसे पहले इस नियम के अनुसार अब आप जान रहे थे कि एक चाप है और इसके द्वारा यहां पर जो केंद्र पर कोण बनता है, मान लो अगर ये कोण x है और ये कोण y है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो आप देखो x + y कितना हुआ 360, क्योंकि भाई दोनों पूरा घुमाकर कोण हो रहा है 360।
तो इसका मतलब अब देखो ध्यान से समझना, ये सी तो ये कोण का आधा मतलब एक्स बाई टू, और ये डी तो डी डी कोण, हाँ वे डी तो डी किसका वाई का आधा मतलब वाई बाई टू। तो ऐसे कंडीशन में तुम देखो कि x बाई टू मतलब दो से मैं डिवाइड कर दूं तो ये x बाई टू प्लस y बाई टू बराबर 360 बटे 2 मतलब 180 हो जाएगा। तो देखो एक तरह से ये दोनों कोण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी ए सी बी डी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180। क्यों 180 भाई, चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले कोण, क्योंकि ये दोनों छोड़ गए, क्योंकि ये कोण का डबल ये होता है और ये कोण का डबल ये, तो ये तो 360 होना ही होना है, तो फिर इसका आधा और इसका आधा हमेशा 180। तो याद रखना भाई चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कैसा भी चतुर्भुज, अब ये दोनों कोण क्यों 180 का होगा, क्योंकि आप जानते हो सेंटर पर जब इन दोनों बिंदुओं से आप बनाओगे तो भाई इसका डबल हो जाएगा, ये 2x होगा और ये x है और ये y है, तो ये 2y हो जाएगा, 2x 2y = 360, तो x और y 180। तो इस तरह से आप देख रहे हो चक्रीय चतुर्भुज पर नियम लग जाता है, चक्रीय चतुर्भुज का नियम बन जाता है आगे जाकर। और चलो भाई आगे, और चक्रीय चतुर्भुज में भी अगर अंदर घुसते हैं तो और भी कुछ नियम हो जाते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण बाहर वाला कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, मतलब ये कोण जो होता है ना ये अंदर वाले कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, तो फिर से वही बात, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स प्लस वाई 180, और यहां भी तो एक्स प्लस वाई 180 होता है, तो फिर इसका एक्स ये वाला इस कोण के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो बिना प्रैक्टिस का आप ज्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे, तो इसका मैं कुछ पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा ऐसा एंगल निकालने वाला, प्रैक्टिस जरूर करना एंगल निकालने वाले, और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स वाले में एंगल वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी जो मैं मैगी ट्रिक्स का सीरीज बना रहा हूं उसमें मैं ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैगी ट्रिक्स में अवेलेबल करवाऊंगा ताकि आप डायरेक्ट बनाना भी सीख जाए। चलो अब मैं आज के टॉपिक को, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो क्या होता है पर खत्म करेंगे, और इस पर कुछ और नियम बताएंगे, नियम अभी बहुत सारे हैं और मैं अभी ज्यादा डीप नियम पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल 14 में थोड़ा सा लाइट नियम बताएंगे और मॉड्यूल 15 में एडवांस करेंगे, मॉड्यूल 15 चूंकि इस सेक्शन का ज्योमेट्रिक सेक्शन का लास्ट वीडियो होगा इसलिए उसमें थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे। तो चलो भाई अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक ही करके चलते हैं। तो फिर याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज, अब देखो यहां पर एक एक करके टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज, तो ये एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं जिसमें कोण बी कितना है 90 डिग्री है, कोण बी कितना है 90 डिग्री। तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पर खींची गई माध्यिका, कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है, क्यों होती है भाई माध्यिका, माध्यिका कर्ण की आधी क्यों होती है, तो देखो मैं इजीली समझा देता हूं, अर्धवृत्त का कोण समकोण मतलब ये आधा वृत्त है तो ये समकोण है, और अगर ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो व्यास का आधा तो त्रिज्या होगा ही, इसलिए ये नियम लग जाता है। तो पहला नियम क्या हो गया, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से अगर माध्यिका खींचे तो उसकी लंबाई कर्ण की क्या होती है आधिका आधी होती है। इसी चीज को क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में यूज कर लेना, क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे है, ठीक है, मान लो कि ये 0 12 दे दिया है, ये 50 दे दिया गया है और ये 0 0 है, तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है और आपको माध्यिका ज्ञात करना मतलब इसका परिकेंद्र ज्ञात करना, तो आप 5 का आधा मतलब 5/2 ये जो बिंदु हो गया और ये 12/2 मतलब 6 और ये हो गया आपका परिकेंद्र, ये हो गई परिकेंद्र ज्ञात करना। तो हो गया भाई वही नियम, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो क्या होता है, तो माध्यिका जो होती है वो कर्ण का आधा होता है, तो ये प्रोसेस आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक और टॉपिक कि किसी समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज कि किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, ठीक है, ये तो वर्क टाइप लग रहा भाई, मैं समचतुर्भुज बना के दिखाता हूं ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ये हो गया रोम्बस समचतुर्भुज, और इसका मैंने कहा किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, ठीक है, उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है, मतलब ये विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से क्यों जाता है, क्योंकि यहां 90 बनता है, ठीक है, और 90 बनता है तो भाई आप जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए वो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से। अब इसका क्वेश्चन कैसा होता है भाई, सबका क्वेश्चन अब ये भी समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर छायांकित भाग आपको दे दे और इस तरह का छायांकित भाग जो समचतुर्भुज के अंदर हो, वर्ग के अंदर होता तो 2/7 r² वाला प्रोसेस मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर ये वर्ग के अंदर होता इस तरह का तो फिर आप मेरा जो फार्मूला था 2/7 r² इससे आधा टुकड़ा निकलता और इसको 8 से गुना कर लेते और निकाल लेते,
लेकिन अगर सम चतुर्भुज हो तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे देता हूँ ये, ठीक है, क्वेश्चन देने से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे इसके विकर्ण 12 और 16 है, ठीक है, 12 और 16, और इस पर ऐसे करकर मान लो बना गया है ऐसा छायांकित भाग, और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तब ऐसे कंडीशन में क्या करोगे। तो देखो भाई, थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लो इसका, जहां ये दिख रहा आपको ये कितना है, तो भाई 12 था तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 6 तो राइट एंगल ट्रायंगल से 10, ठीक है, और ये हो गया ये टुकड़ा, इसमें आप क्या करोगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना, तो 10 का आधा 5, क्योंकि पूरा अगर ये 10 है तो भाई आधा वृत्त का त्रिज्या तो 5/5 हो जाएगा ना, तो 5 हो गया त्रिज्या, तो ये आधा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2, आधार कितना 8 और ऊंचाई कितना 6, तो भाई ये निकाल लिए ना, ठीक है, इसको इस त्रिभुज में वृत्त में से त्रिभुज घटा दिए तो क्या बच गया, ये छायांकित भाग बचा, और इसको 4 से गुणा कर लिया, और क्या, इसको 4 से गुणा, क्यों भाई, क्योंकि 4 से गुणा कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट, तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा। तो याद रखना है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तीसरा नियम, चलो भाई मैं पहले नियम थोड़ा समझा दे रहा हूं। तीसरा नियम में देखो, दो वृत्त यदि एक दूसरे को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक बिंदु से खींचा गया व्यास, हाँ भाई व्यास, जो दो अलग अलग व्यास होंगे एक सी और एक डी, क्योंकि दो अलग अलग केंद्र से होकर जाएगा ये, तो इन व्यासों को मिलाने वाली रेखा अगले प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, क्यों जाती है ये भी क्लियर है। देखो भाई अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण, और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री, तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नियम है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है उसके अंदर नियम है, अभी यहां तक बेसिक मैंने बता दिया, कुछ कुछ कोण का नियम मैंने बता दिया हूं, कुछ भुजा का नियम बता दिया हूं, इससे लेवल थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब हम लोग अगले दिन स्पर्श रेखा की बात करेंगे, और उसके पहले स्पर्श रेखा में बहुत कुछ पढ़ना है आपको, और स्पर्श रेखा का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस होता है, तो अभी आज मैं वृत्त तक खत्म कर देता हूं, अगले वीडियो में हम लोग स्पर्श रेखा की बात करेंगे। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।